तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ऊपर नीचे है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है? तो हम इसे सॉल्व करेंगे और ये सीधा अपने आप आपको सिलेक्ट करके दे देगा यहाँ पे। हेलो गाइस, मैं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने कुछ 1 साल पहले बनाई थी, ठीक है। उस टाइम मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था कि हम जो ऑटो कैड में जो हमारे पास सर्वे ड्राइंग्स आती हैं उसे स्केचअप में कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में और बताऊंगा एंड उसके लास्ट में अभी मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया है प्रॉपर, ठीक है। तो उसे हम पहले स्केचअप में सॉल्व सही करेंगे एंड फिर उसके बाद ऑटो कैड में भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखिए, अभी मेरे पास एक ये ड्राइंग है उसी तरीके की जैसे उस ड्राइंग में मैंने दिखाई थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्वे होकर ड्राइंग आई है हमारे पास, ठीक है। आप भी कहीं काम करवाते हैं तो आप किसी के लिए बड़ी जगह के लिए, जैसे ये बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, तो उसमें होता यह है कि सर्वे होकर आती है, प्रॉपर पोजीशन की जगह आती है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये ड्राइंग्स हम ऊपर से देख रहे होते हैं ऑटोकॉड में तब तो सही दिख रही होती है, लेकिन एक्चुअल में जब हम साइड वेज करके देखते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि ये लाइंस जो हैं ये थोड़े ऊपर थोड़े नीचे, है ना, ये दो तीन जगह अलग अलग, ये इस तरीके से पूरी लाइनें बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना ऑटोकैड में टॉप से तो आपको पता चल नहीं रहा होता है, ठीक है। जैसे ही आप सामने से फेस से करके देखते हैं तब आपको पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तामझाम हुआ पड़ा है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये। तो अब हम देखेंगे टॉप से तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी लाइन उस तरीके से टेढ़ी हुई पड़ी। तो ये देखिए, इतनी सारी लाइनें टेढ़ी हुई पड़ी है, लगभग सारी लाइन ऊपर नीचे हुई पड़ी है इधर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसे सही करेंगे आज, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इम्पोर्ट करेंगे अपने स्केचअप फाइल में। तो चलते हैं हम बस अपने स्केचअप फाइल पे। तो ये देखिए, हम अपने स्केचअप फाइल में हैं और हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे ये ड्राइंग है, टोपोग्राफिकल सर्वे के नाम से, ठीक है। ये ड्राइंग आ गई है, थोड़ी सी इसमें कुछ और भी चीजें थी तो पहले इसे हटा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें अभी भी कुछ और है, इसे भी हटा देते हैं। बस जो मेन ड्राइंग है हमारी ये है जो कि अभी मैं दिखा रहा था इस तरीके से, और सामने से देखिए अभी भी ये बहुत ज़्यादा ऊपर खावट जो है चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो इसे पहले हम अपने सेंटर पे ले आते हैं, 0 0 पे। ये देखिए, ये हमारा सेंटर में आ गया है, हालांकि ये स्केल वाइज अभी गलत है, तो ठीक है। इसे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, जैसे अभी 1000 स्केल कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ऊपर नीचे है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है? तो सिंपल, एक हमारे पास है आर्किटेक्ट टूल के नाम से, ठीक है। ये आपको स्केचअप के 3D वेयरहाउस पे फ्री है। इसमें मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया है, लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन जो ट्राई किया है ये इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना। आपके पास जैसे ये ड्राइंग्स आती हैं, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक है फ्लैटन सिलेक्शन के नाम से, तो इस पर आपको क्लिक करना है, पहले इसे सेलेक्ट कर लेना है एंड इस पर क्लिक करना है और ये सीधा अपने आप आपको सिलेक्ट करके दे देगा। यहाँ पे हम टॉप व्यू कर लेते हैं इसे, और ये देखिए, ये वो पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं जो एक्चुअल में लिए गए हैं उस मशीन से जिसे निशान लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारी वॉल्स वगैरह हैं, ये जो भी लाइंस हैं हमें दिख रही हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ के बाद, सबसे पहले इन मैडम को यहाँ से हटा लीजिए, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोर्ट करेंगे,
फाइल, एक्सपोर्ट, 3D मॉडल, और डेस्कटॉप पे ही हम इसे दूसरे नाम से सेव कर देते हैं, 111 के नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ। DWG या DXF आप किसी में भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी DWG में ही कर दे रहा हूँ एंड इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये देखिए एक्सपोर्ट होने में बस थोड़ी देर में हो गया, इसे मैं अब बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे काम नहीं है। तो बस एक्सपोर्ट करके मैंने इस ड्राइंग को भी सेव नहीं किया है। अब मैं क्या करता हूँ, उस ड्राइंग को खोलता हूँ जो डेस्कटॉप पे अभी हमने सेव किया है। तो ये देखिए अभी आप देख रहे हो 111 की अभी ड्राइंग खुल के इस तरीके से आएगी। अभी जो आपका कर्सर है वो भी 3D में आएगा, तो इसे हम टॉप व्यू में कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हो, ठीक है। ये अभी ब्लॉक बन के ही आया है। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कॉपी कर ले रहा हूँ कंट्रोल सी करके, और जो ड्राइंग आई थी उसी में मैं इसे पेस्ट कर ले रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। कई बार जब होगा ना, तो हो सकता है स्केल आपका बड़ा छोटा हो, जैसे मान लीजिए इससे बड़ा है तो कुछ नहीं है। जैसे आप शुरू में जब इम्पोर्ट करने के पहले स्केचअप में आप ध्यान रखेंगे कि ये जो चीज़ है आउटर, ये एक ऐसा बना लें आप, जरूरी नहीं है कि इससे चिपक के ही हो। ये शुरू से ही बना हुआ था तो मैंने कुछ एडिट नहीं किया था। अगर नहीं है बना हुआ तो इसमें आप आउटर से बना लें। इससे होगा क्या कि एक बार आपको चेक करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये पूरा ब्लॉक बना हुआ है तो मैं सीधा इसे उठा के यहाँ कर लूँगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल 0-0 लाइन है। अगर हो सकता कि ये बड़ा छोटा होता तो मैं क्या करता, इसे स्केल करके एडजस्ट कर लेता इसे, ठीक है। तो इससे बिल्कुल स्केल भी सही हो जाती और ये पूरी तरह से बन जाती। अब देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइंग्स है, मैं इसे भी एक्सप्लोर कर देता हूँ एक्स एंटर करके। तो ये देखिए ये चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसे हम सेम फेस करके देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो हमारे पास ये ड्राइंग थी यहाँ पे, तो अभी भी ये एरिया पूरा, ये वाली ड्राइंग हमारी बिल्कुल ऊपर नीचे थी और ये बिल्कुल एक लाइन में है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने सेलेक्ट किया था, ये पूरा ऊपर नीचे है और ये अब एक लाइन में है। प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मान लीजिए कि ये है, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर नीचे होने की वजह से अगर ये होता है तो हैचिंग करने में दिक्कत आती है और कई बार ऑफसेट में भी दिक्कत आती है। ऑफसेट तो हो जाता है लेकिन सही से नहीं हो पाता, ठीक है। ये देखिए इस पर पॉली लाइन क्रिएट की हुई है, मैं इसे भी हटा दे रहा हूँ। अब देखिए अब जैसे ही मैं हैच करूँगा पूरे एरिया में ही ले ले रहा है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो लाइंस है वो सारे ऊपर नीचे हुए पड़े हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ हैचिंग करता हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि इसकी लाइनें सारी एक सरफेस पे है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोनों में सॉल्यूशन मिल जाता है। अब मैं है कि इजिली ऑटो कैड पे भी काम कर सकता हूँ प्रॉपर उसमें, ठीक है, एंड मैं स्केचअप में भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही, आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ दिन पहले ही एक भाई ने बोला, इन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं किसी को मिसगाइड कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे साथ या जितना मुझे पता है मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम मुझे प्रॉब्लम आती थी कि ना ही मुझे स्केचअप में सॉल्व करना आ रहा था और ऑटोकैड में जब मैं सॉल्व करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि मैं हर एक को फिर से बना रहा होता था। लेकिन अब जैसे ही मुझे कल ही पता चला है और मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।